पकड़ लिया मोटरसाइकिल से पकड़ने के बाद में इतना तेज मारा कि मैं भगाते भगाते गाड़ी पे मारा, फिर मैं गिर पड़ा, फिर मुझे भागा नहीं जा रहा था। जब मैं स्लो हो गया तो मैं ढीले डंडे करके इतनी तेज हमारे पैरों में मार दिया भगत जी कि मैं गिर पड़ा। भगत जी पैरों में सोचा था कि भगत जी मैं नहीं उठा जा रहा, भगत जी फिर भी करेगी भागो भागो भागो। फिर मैं जैसे तैसे एक पैर से भी नहीं दौड़ा जा रहा, फिर वो मारते मारते चले आए भगत जी। मैंने छोड़ दिया भगत जी, दर्शनों के लिए भी नहीं है जाने देते बंदी छोड़। मैं एक मिनट के लिए भी अगर बैठ जाता हूँ तो मुझसे चला जा नहीं जा रहा था कल भगत जी इतना तेज। मैं मीडिया वाले से ये निवेदन करना चाहूंगा कि सच्चाई को आगे बढ़ावे और जो भी है वो आस्तिक बतावे। हम ये चाहते हैं, हम भगत हम सभी तड़प रहे मालिक के लिए। ये लोग हरियाणा पुलिस वालों ने ऐसा बर्बाद कर रहे हो, ये करते जा रहे हैं जैसे भेड़ बकरी को मारते उसी तरह से हमें मार रहे हैं। ये लोग छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं मालिक। क्या बताऊं भगत जी, मैं बड़ा परेशान हो गया था भगत जी। क्या भगत जी मैंने क्या किया है जो ये लोग मुझे पीट रहे, दर्शन के लिए भी नहीं जाने देते भगत जी। मुझे इतना बार भगत दौड़ा दौड़ा के पीटा अपनी बाइक से, इतना पीटा भगत जी उठाने से बिल्कुल पूरा शरीर सुन्न हो गया, शरीर पूरे पैर में सूजन आ गई। भगत जी मुझसे नहीं चला जा रहा था, एक पैर से भी भाग रहा था उससे भी नहीं भागने भागा, फिर भी मारते मारते भगत जी बहुत। आप देख सकते हैं कि हरियाणा प्रशासन पूरी तरह से क्रूरता बढ़त रही है संत रामपाल जी के अनुयायी के साथ। अनुयायी यहाँ पर अपना फूट फूट कर दुख रो रहे हैं। आज हम आपको ये पहली बार दिखा रहे हैं कि अनुयायियों के साथ इतना भी अत्याचार होता है यहाँ पर। कभी भी प्रिंट मीडिया ने या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने संत रामपाल जी के अनुयायियों को ये दर्द नहीं दिखाया कि इस तरह से इनको जानवरों की तरह यहाँ पे सुलूक किया जा रहा है हरियाणा प्रशासन द्वारा। आप देखिए किस तरह से संत रामपाल जी के अनुयायियों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। हाँ जी ठीक हो, हाँ आप क्या कहना चाहेंगे जी? आप संत रामपाल जी के अनुयायी परेशान कर रही है, पानी पीने के लिए नहीं जाने दे रही है, बाथरूम टॉयलेट के लिए नहीं जाने दे रही। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन रेलवे विभाग के जितने सौदा इनके पास है, पानी है, बाथरूम में सारे ठीक चल रहे हैं, बस इतना है, कोई चीज की दिक्कत नहीं। पैसा लिया जा रहा है, ये बोल रहे हैं बाथरूम जा रहे हैं तो हमसे बाथरूम वाले 10-10 रुपए ले रहे हैं। वो तो अगर रेलवे विभाग का अगर नियम है शौचालय जाने का पैसे का नियम 20 का नहीं है, 20 का नहीं है, 20 का नहीं है। अनुयायियों ने आरोप भी लगा रहे हैं कि अनुयायी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन हमें परेशान करता है, क्या इस बात में सच्चाई है? कौन सा प्रशासन, कौन प्रशासन परेशान कर रहा है? कोई नहीं करे, इनको किसी ने कुछ नहीं कहा। पुलिस वालों ने ये लाठियां मारी हूँ अपने अपने दिखा रहे थे, इस बारे में आपके क्या कहना चाहिए? रेलवे स्टेशन आज बताइए जी, बताइए आप बताइए। रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन RPF और GRP पूरी तरह से इनको सुरक्षा मुहैया कराने लग रही है, हर प्रकार की आराम से बैठने के लिए कह रहे हैं, आराम से सभी बैठे हैं। रात में भगाते हैं, सुरक्षा के ये करा रही है जो बहनों को और माइयों को नहीं देख रहे, पीट रहे हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बैठो आप आराम। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन भी पूरी तरह से बिल्कुल संत रामपाल जी के चारों अनुयायियों के साथ चारों इर्द गिर्द है। प्रशासन भी यहाँ पर झूठ बोल रहा है, अनुयायी अपने घाव दिखा रहे हैं, पुलिस प्रशासन इनको पूरी तरह से पीट रहा है, अनुयायी पूरी तरह कोई भी सुनवाई। आप सोच सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में इतने बड़े जन समुदाय का इतना शोषण हो रहा है, इस आजादी का ये लोग क्या करें? आप देख सकते हैं इसी भारत के आजाद लोग हैं जहां पर हरियाणा में पुलिस प्रशासन पर अत्याचार, लाठी पर लाठी भाज रही हैं। आप देख सकते हैं क्या हालत है इस देश की। लोहर लखट्टर संत रामपाल जी की निर्दोष अनुयायियों पर लाठी बरसा रहे हैं, यहां पर पूरी तरह से उनको घेर के रखा है, ना तो शहर के आगे जाने दे रहे हैं ना बाहर निकलने दे रहे हैं, भूखे प्यासे लोग यहां पर डटे हुए हैं। आप देखिए संत रामपाल जी के अनुयायी कितनी, संत रामपाल जी के अनुयायियों का तांता चारों तरफ से। छोड़ सतगुरु रामपाल की जय।
परमात्मा के दर्शन कराने बहुत जरूरी है। ये हमको बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। रेलवे प्लेटफार्म पर हम बैठे हैं, हमको बहुत परेशान करते हैं। सच्चा है तो पुलिस वाले हमको यहाँ पर रुकने देते, बोलते हैं कि यहाँ से जैसे आए हो ट्रेन में बैठ के वापस चले जाओ, और अगर कोई यहाँ से जाने की बाहर जाने की कोशिश करता है तो उस पर लाठिया चार्ज करते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? दास सवाई माधोपुर से हैं भगत जी। क्यों आए हुए यहाँ पे? क्यों आए हुए हैं? हम यहाँ संतरामपाल जी महाराज की आज पेशी है, उस पर आए हुए हैं। जो पुलिस वाले हैं अगर ये बोलते हैं यहाँ तो पेशी नहीं आती, कैंसिल हो चुकी है, जैसे ट्रेन में बैठ के आए हो वैसे निकल जाओ, नहीं तो फिर आपको बहुत बुरा हाल करेंगे, ऐसे बोलते हैं भगत जी। हम तो फिर खैर के लिए भगवान के लिए आता और हमको दर्शन भी नहीं देता है पुलिस वाला। आपको यहाँ पे पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है क्या? बहुत डंडा दे दे, मेरा डंडा दिया है, हम तो बहुत दुखी हो रहे हैं। हमारे मालिक को छोड़ो। क्या परेशानी है आपको यहाँ पे बैठे हुए? क्या परेशानी? परेशानी को तो हमारे मालिक को छोड़ो, हमारा मालिक हमारा मालिक को छोड़ो, कोई भी दोस्त हमारे मालिक को छोड़ो, हमारे गुरु जी को छोड़ दो, हमारा गुरु जी का कोई दोस्त नहीं है, हमारे गुरु जी को छोड़ो, ठीक है जांच करो हमारे गुरु जी की, छोड़ो हमारे गुरु जी को, छोड़ना पड़ेगा आपको बिल्कुल, छोड़ो मालिक को, छोड़ो छोड़ना पड़ेगा, बहुत शुक्रिया आपको, बहुत छोड़ना पड़ेगा सर, परेशानी हमारा घर में बहुत परेशान हो रहा है, हमारे कोई दोस्त नहीं किसी में, हमारा घर जी को छोड़ो बेगा, छोड़ो बेगा, ये सरकार कतरी आती हो रही है। आप देखिए किस तरह से संत रामपाल जी के अनुयायियों का दर्द रो रहे हैं, ये कोई ही पत्थर दिल होगा जो आंखों में आंसू नहीं आएगा, किस तरह से दुखी हो रहे हैं यहाँ पर। आज इनका दर्द समझते हर भगत के, हर संत रामपाल जी के अनुयायी की आंखों में आंसू है। क्या परेशानी हो रही है, रण सरकार को संत रामपाल जी के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। आप देखिए हमारे घर ने क्या अपराध कर दिया ऐसा, जिसको डाल में डाल मिले बंदी छोड़ के रामपाल महाराज हमारे पास भी शब्द नहीं है कि इनके दर्द को किस तरह से बयां किया जाए। अब देखिए संत रामपाल जी के अनुयायियों को किस तरह से घेर रखा है और किस तरह से प्रताड़ना होता है। हर संत रामपाल जी के अनुयायी के हर दिल में इतना दर्द भरा हुआ है कि आप देख सकते हैं। सर, सर, कल हम ऐसी प्यारे दास जयपुर का डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से दास जेल सेवा में गया था परमात्मा के यहाँ। तो कल हमारी पेशी थी 13 तारीख की, तो ये हमारे कल मोहर भी लगी थी कि अंदर जाते हैं जेल सेवा में तो यहाँ मोहर लगाई जाती है, तो हमें मटका चौक पे कल पुलिस द्वारा रोक लिया गया, कहने लगे कि आप इस मार्ग से जेल धाम में नहीं जा सकते, आपकी कोई पेशी नहीं है, आप आगे अगेन गो दोबारा वापिस जाओ, नहीं जा सकते आप अंदर। तो हम फिर गली टर्न करके दूसरी गली से कल जेल सेवा के अंदर, एक नंबर जेल के अंदर हमारी पेशी थी, कल हम एक नंबर जेल के अंदर गए, उसके बाद जेल प्रशासन की तरफ से कल हमें हमारी 5 बजे की ट्रेन है गंगानगर के लिए जो निकलने के बाद हमें कल 6:45 बजे छोड़ा गया, मतलब इतनी बड़ी क्रूरता है। आप क्या कहना चाहेंगे जी? हम तो हमने हमारे सतगुरु को नहीं तो बाहर करो, नहीं तो हमको भी जेल में डाल दो, हम तो ये कहते हैं सारी सच्चाई है, सच्चाई प्रशासन है, हमको का नाम है दुनिया का गलत सलत बोलता है, किस लिए बोलता है? क्या हम भगवान परमात्मा की भक्ति नहीं करना जानते? शास्त्रों से ज्ञान देते, कोई हम चोरी करने थोड़ी आते, नहीं डकैती करने का हम गुरु जी के साथ सभी भगत जो है जेल में जाने के लिए तैयार हैं, और हमारी बात को दबाया जाता है, मीडिया साक्षी नहीं है, हमको जेल चाहिए खाली बस। सारे लाइन में खड़े हो जाओ आप, इधर आ जाओ पीछे। संत रामपाल जी के अनुयायी चारों तरफ से इर्द गिर्द स्टेशन के चारों तरफ है, ऊपर चारों तरफ घुमा, चारों तरफ देखिए संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पर बैठे हुए हैं,
आज संत रामपाल जी की जेल नंबर एक में तारीख थी, जहाँ पर कल से भी यहाँ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से परेशान कर रहे हैं। कहाँ से आए हुए हैं जी? कहाँ से आए हुए हैं? मेरठ से, यूपी। क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? संत रामपाल जी महाराज की आज तारीख है, उनके दर्शन करने के लिए आए। तो आपको दर्शन हो गए? नहीं जी, फिर जाने नहीं देते या बाहर? पुलिस नहीं जाने देती बाहर। क्या कहती है पुलिस आपको? पुलिस ये कहती है कि कहाँ जा रहे हो, यहीं पे रुको, हमें बाहर चाय पीने के लिए भी नहीं जाने देते। जेल धाम जाने के लिए हम परमात्मा के दर्शनों के लिए जाते हैं, सोचते कि चलो दर्शन ना हो वहाँ पे हम दंडौती करके आ जाए, वहाँ तक जाने ही नहीं देते बिल्कुल। कहते हैं स्टेशन पे ही रहो, बाहर मत निकलो यहाँ से। तो आपको यहाँ पे क्या परेशानी हो रही है? यहाँ पे बैठे हुए आप कब से आए यहाँ पे? हम कल आए थे सुबह। अच्छा जी। यहाँ हमें ना तो ये वेटिंग रूम बंद कर देते हैं, ना वहाँ लेटरिन बाथरूम के लिए जाने देते हैं, ना नहाने धोने के लिए जाने देते हैं, कपड़े भी नहीं चेंज कर पाते। सुबह हम बोले कि उधर हम जाके चाय नाश्ता कर लें, नहीं यहीं पे रहो, चाय अंदर ही पियो, खाना अंदर ही खाओ, जो कुछ करना है अंदर ही करो, बिल्कुल नहीं जाने देते बाहर। आप देख सकते हैं कि हर भगत, हर संत रामपाल जी का अनुयायी यही दर्द बता रहा है कि संत रामपाल जी के अनुयायियों को यहाँ पे हरियाणा प्रशासन पूरी तरह से परेशान कर रहा है। आप देखिए, एक नहीं भगत, दो नहीं, हजारों की संख्या में जितने दो तीन चार प्लेटफॉर्म है सारे भरे हुए हैं संत रामपाल जी के अनुयायी से, लेकिन सबको यही परेशानी हो रही है। कोई ये कह रहा है कि हमें पानी नहीं पीने दिया जा रहा, कोई कह रहा है हमें टॉयलेट नहीं जाने दिया जा रहा है, और टॉयलेट जाने भी दिया रहा तो उसके पैसे लिए जा रहे हैं। आप आगे देखिए, गए हैं तो वहाँ पे बहुत पिटाई लगाई। आप देखिए चारों तरफ संत रामपाल जी के अनुयायी नजर आ रहे हैं। आपको कुछ और भक्तों से मिलाते हैं जो अपना दुख और दर्द बता रहे हैं, उनको क्या परेशानी है यहाँ पर। हरियाणा प्रशासन उनके साथ बिल्कुल जानवर जैसा बदसलूक कर रही है। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम एमपी ग्वालियर से आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? हम अपने गुरुजी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो हो गया दर्शन आपको? नहीं, करने देते हैं जी हरियाणा सरकार। आप फिर यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? आप अपने घर भी तो जा सकते हैं। घर हम अपने गुरुजी के दर्शन के लिए आते हैं, हम घर जब जाएंगे जब अपने गुरुजी के दर्शन कर लेंगे तब। तो यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन या कोई परेशान कर रहा है यहाँ पे? आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? फिर बैठे हैं अपनी आस्था के लिए, अपनी आस्था लगाए, अपने गुरुजी के दर्शन के लिए बैठे हैं। बंदी बैठ जाओ।